వెల్కమ్ టు సిల్వర్ స్పూన్ హీరోస్ కిచెన్. జై జగన్నాథ్ టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. విశ్వ ప్రసిద్ధ జగన్నాథ్ పూరి మందిర్ మే 56 ప్రకార్ కే భోగ్ లగాయే జాతే హే. భగవాన్ కో భోగ్ లగానే కే బాద్ వో మహాప్రసాద్ బన్ జాతా హే. యే సారే భోగ్ మిట్టి కే బర్తన్ మే హీ బనాయా జాతా హే ఔర్ కోయి భీ భోగ్ మే టమాటర్ కా బిల్కుల్ భీ ఇస్తమాల్ నహీ హోతా హే ఔర్ మందిర్ మే సే కోయి భీ భక్త్ భూఖా నహీ జాతా హే. యే 56 ప్రకార్ కే మహాప్రసాద్ కా భోగ్ మేనే ఖాయా హువా హే. तो आज हम इस 56 भोग में से एक भोग कनिका राइस बनाएंगे. ये राइस खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट से बनते हैं. ये राइस टेस्ट में मीठा होता है. इसके साथ सर्व की हुई दाल है, वो भी 56 भोग में से एक भोग है. उसकी रेसिपी मेरी नेक्स्ट पोस्ट है. तो चलो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं. सबसे पहले एक बाउल में बासमती राइस लीजिए, उसको दो बार अच्छी तरह से धो लीजिए. दो बार धो लिया है, अब उसमें पानी डाल के 10 या 15 मिनट तक भिगोने के लिए रखना है. बाद में एक कढ़ाई में घी लेना है. घी गर्म हो जाए बाद में काजू डालना है. काजू को हमें पिंकी सोने तक फ्राई करना है. पिंकी सो गए हैं, अब उसको प्लेट में निकाल लेना है. बाद में किशमिश को फ्राई करना है. सारी किशमिश इस तरह फूल जाए तब तक हमें फ्राई करना है. आप देख सकते हो सब फूल गई है, उसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं. इसी कढ़ाई में ज्यादा घी लेकर गरम करना है. बाद में तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी वाली इलायची का मैंने ऊपर का मुंह खोल दिया है. लौंग, काली मिर्च, चक्रफूल और जायफल का पाउडर लिया है. सारे मसाले को 1-2 मिनट तक हम ऐसे फ्राई करेंगे. बाद में जो हमने राइस को भिगोने के लिए रखे थे वो उसमें से पानी निकाल के राइस को डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है. उसको भी 2 मिनट तक इसमें पकाना है. बाद में उसमें पानी डालना है. पानी को हमें राइस के नाप से 2.5 गुना लेना है. बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. बाद में इसमें हल्दी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. मिक्स हो जाए बाद में उसको ढक के धीमी आंच पे 5 मिनट तक कुक करना है. पांच मिनट के बाद उसको हल्के आंच से मिक्स कर लेना है. मिक्स हो जाए बाद में
फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश डाल देना है और उसको ऊपर फैला लेना है, मिक्स नहीं करना है। बाद में फिर से ढक के 2-3 मिनट तक धीमी आंच पे कुक करना है। 3 मिनट हो जाए बाद में उसमें चीनी डालना है। चीनी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। बाद में फिर से हल्के आंच से मिक्स कर लेना है। और उसको ढक के 1-2 मिनट तक कुक करना है। हमारा कनिका राइस तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो उसके हर एक दाने अलग अलग है। तो तैयार है कनिका राइस, उसको हम स्वीट दाल के साथ सर्व करेंगे। ये स्वीट दाल भी 56 भोग में से एक भोग है। थैंक यू। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए। बाय।